आप देखिए अभी हम कश्मीरी गेट बस अड्डे पर हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर इतने मजदूरों का वजूम यहाँ पर खड़ा है और एक बहुत बड़ी भीड़ अपने घर जाना चाहती है। लॉकडाउन के चलते तमाम लोग चाहते हैं कि घर पहुँच जाए। आइए हम कुछ मजदूर साथियों से बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले और कहाँ जा रहे हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? टिहरी गढ़वाल। यहाँ दिल्ली में क्या करते थे? जॉब करते हैं होटल में। क्या जॉब करते हैं? तंदूर सेफ होटल में काम करते हैं। अच्छा, तो अभी घर जाना चाह रहे हैं, क्यों जा रहे हैं घर? होटल बंद हो गया। तो अभी आपको अभी क्या तकलीफ हो रहा है? आप यहाँ पर कश्मीरी गेट बस अड्डे पे खड़े हैं, बहुत भीड़ भरा है, खिड़कियों से चढ़ रहे हैं, पे लोग सामान ज्यादा हो गए थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चढ़ नहीं पा रहे हैं, सामान ज्यादा है और आप चढ़ नहीं पा रहे हैं। अपना सामान लेके हमारे साथी जो यहाँ पर खड़े हैं और वो जाना चाह रहे हैं हरिद्वार के लिए। एक और साथी हैं, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं और यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? कहाँ जाना है आपको? सहारनपुर जाना है। दिल्ली में आप क्या काम करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। क्यों दिल्ली से क्यों जा रहे हैं? क्या कर रही है और यहाँ से रह गए? कुछ मिलने करने का खाने का क्या कर रही है? जी बताइए। यहाँ रहेंगे तो ना खाने को मिलेगा, ना होटल बंद हो गए, सब चीज़ काम करते हैं तो खाते हैं। आप क्या काम करते हैं? फर्नीचर का ही करते हैं। देखिए, फर्नीचर का काम करने वाले साथी ने बताया कि यहाँ पर दिल्ली में किसी प्रकार की सुविधा इन मजदूरों को नहीं मिल रही है और ऐसी स्थिति में अब घर जाना इसलिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन हो चुका है, काम खत्म हो गया है, या कहाँ पर रहेंगे और खाएंगे क्या, एक बहुत बड़ा सवाल मजदूरों के ऊपर जो है आ गया है। और इस लॉकडाउन के चलते अब देखिए मजदूर इधर से उधर भटक रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनको बैठने के लिए वो जगह नहीं है और कहीं ना कहीं इनको साधन सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान है। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? सहारनपुर जाना चाह रहे हैं। क्या काम करते हैं आप दिल्ली में? फर्नीचर का काम करते हैं। परंतु अब जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। जाने के लिए जो गाड़ी वाले चढ़ने दे रहे, गाड़ी में नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो देखिए मजदूरों का कहना है कि अभी जो है उनको अंदर चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। एक बहुत बड़ा एक लंबी यहाँ पर संख्या में मजदूर लोग खड़े हैं। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? उत्तराखंड। कौन से जिले में? टिहरी। कहाँ काम करते हैं आप? दिल्ली में। क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। क्या काम करते हैं? होटल में काम करते हैं। देखिए रेस्टोरेंट और होटल में काम करने वाले बहुत सारे साथियों की संख्या यहाँ पर है। आखिर आप यहाँ से क्यों लौटना चाह रहे हैं? जॉब ही नहीं है सर। अब जॉब नहीं है, काम नहीं है, होटल बंद हो गया है और अब अभी प्रमोद कुमार जो है अपने गांव जाना चाहते हैं, परंतु अभी क्या दिक्कत हो रही है? बस नहीं मिल रही है। तो आप जैसे बहुत सारे साथी होंगे जो होटल से, कितने अनुमानित कितने लोग होंगे जो इस प्रकार से होटल में काम करते हैं और यहाँ पर अभी खड़े होंगे? तो बहुत हैं ऐसे, टिहरी के तो सबसे ज़्यादा बन गई है होटल इंडस्ट्री में, दिल्ली के अंदर काफ़ी हैं। अभी आपको सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है क्या? कुछ नहीं है। अचानक लॉकडाउन की घोषणा, मज़दूर भले मर जाए, सैलरी तक नहीं मिली। मार्च की सैलरी नहीं मिली। आप अपना मोबाइल नंबर बोलेंगे क्या? नहीं देना चाहते हैं।